त्रिदेव फिल्म याद है आपको? त्रिदेव फिल्म के अंदर संगीता बिजलानी जी एक डांस नंबर करते हुए नजर आई थी, जो कि था गली गली में बनता है ला 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 ला। तो इस गाने का, पर्टिकुलर इस गाने का दोस्तों, एक नया वर्जन आया है जिसे लेकर आए हैं तनिष्क बागची साहब फिल्म KGF के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कन्नड़ा फिल्म में हिंदी गाना कैसे हो सकता है, तो चलिए सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। चलिए बात करते हैं गली गली के रिमिक्स वर्जन की, जिसमें मौनी रॉय OMG लग रही हैं। बात करें सॉन्ग को लेकर आए हैं तनिष्क बागची साहब, और तनिष्क जी जो है म्यूजिक के मामले में एकदम परफेक्ट होते जा रहे हैं। लगभग आधा दर्जन फिल्म इस साल उनके, जिसमें उनके गाने हैं, वो रिलीज हो चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं। तो ऐसे में एक नया सॉन्ग आता है KGF का, गली गली में। KGF ये कन्नड़ा फिल्म है, लेकिन दोस्तों इसे एक मास अपील देने के लिए, पैन इंडिया में रिलीज करने के लिए, जो इसके हिंदी वर्जन के प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि रितेश सिद्धवानी साहब और फरहान अख्तर जी, एक्सेल एंटरटेनमेंट वाले, तो वो इसे एक इंडियन ऑडियंस को, क्योंकि साउथ फिल्म है तो एक मास ऑडियंस को अपील देने के लिए उन्होंने इस फिल्म के अंदर एक गाना रखा है गली गली में, जिसमें उन्होंने कास्ट किया मौनी रॉय को। और मौनी रॉय की अदाएं ले लीजिए, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस ले लीजिए, उनके होठ ले लीजिए और उनकी सेक्सी फिगर ले लीजिए। मौनी रॉय बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है और उन्होंने सॉन्ग के साथ जस्टिस किया है। लेकिन कहीं थोड़ा बहुत अगर बात करूं तो संगीता बिजलानी जी का हमारे दिमाग में अभी तक इम्प्रिंट है। अगर बात करें दोस्तों इस सॉन्ग की लोकेशन की, तो ये एक क्लब नंबर टाइप का दिखाया है हमें। वहीं संगीता जी का जो सॉन्ग था वो हमें एक घर के अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था छोटा मोटा, वो दिखाया था। अब सॉन्ग में एंट्री होती है, जो नया सॉन्ग है उसमें एंट्री होती है यश भाई की। यश भाई की एंट्री एकदम कोल्ड एंट्री है, मतलब ये कोल्ड है ना, डेडली कोल्ड जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई हॉलीवुड में कोई विलन आता है तो एकदम डेडली रहता है, फेस में कोई एक्सप्रेशंस नहीं रहते, आता है सिगरेट पीता है, डांस थोड़ा कर रहा है, एकदम बिल्कुल स्वैग के साथ डांस कर रहा है। वेल, यश के ये फेशियल एक्सप्रेशंस देख के और जिस तरीके का उन्होंने लुक लिया है और जिस तरीके से एफर्टलेस डांसिंग करी है, मुझे भाईजान सलमान खान की याद आ गई, क्योंकि सलमान खान भी अपनी फिल्मों में ऐसे ही तरीके का डांस करते हैं जो कि हमारे दिल को छूता है, भाता है। और यश के नो एक्सप्रेशंस भी हमें बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं और पक्का ये सॉन्ग हिट जाने वाला है, एंड आई एम श्योर धीरे धीरे ये सबकी जुबान पर चढ़ जाएगा। और ये टिकटॉक सो कॉल्ड है ना, उसमें भी लोग, लड़कियां स्पेशली, अलग अलग ड्रेस पहन के इस पर गाने पर अपनी वीडियोस बनाएंगे। ओवर एंड ऑल ये गाना मुझे लगता है कि जस्टिस कर देगा फिल्म के अंदर। और ये एक सिचुएशनल सॉन्ग नहीं होगा, इसको मतलब रखा गया होगा या तो एंड क्रेडिट्स के लिए रखा गया होगा या बीच में ऐसे ही दिखाया होगा कि वो किसी पार्टी में जाता है, क्योंकि ये सॉन्ग में अगर देखा जाए तो ये सॉन्ग कहीं आगे नहीं लेके जा रहा है स्टोरी को। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट मौनी रॉय, आपने जस्टिस किया है और यश बहुत ज्यादा स्मार्ट लगे हैं। तो ओवर एंड ऑल सॉन्ग फील आता है देखकर और सॉन्ग को देते हैं, ठीक है। आपको कैसा लगा ये गली गली सॉन्ग, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं और बने रहिए मेरे साथ। गली गली में ना 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 ना, बाय।